मेरे जिगर का फूल है और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। बुरी किस्मत उसी में आए रखी ही कमी निकली। हिजर की रात है और आंख में आंसू भी नहीं, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हिंदुस्तान के बाहर तमाम वो मुल्क जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आ गया है और आप मेरे साथ मिलकर कहना चाहते हैं तो कह दीजिए एक बार, शैलो प्रेजेंट हुआ भाई हुआ। भाई ये जो ट्रक होते हैं ना, बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन ट्रक से ज्यादा कमाल क्या होता है, जो उनके पीछे लिखा होता है। क्या लिखा होता है भाई, वाह। कार, मेरे आगे ट्रक जा रहा था, उसमें इतनी बढ़िया बात लिखी थी, ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है। ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है और माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ट्रक वालों को एक स्कूल बस ने पीछे छोड़ दिया। भाई मैं इतनी देर तक उस वाक्य को पढ़ के खुश होता रहा, स्कूल बस जिसके अंदर बच्चे जा रहे थे और पीछे इतना बढ़िया वाक्य लिखा हुआ था, हॉर्न बजा के मुझे बार बार मत छेड़ो, मैं बच्चों वाली हूं। जिंदगी में मजा तो बातचीत का ही है, बातचीत का मजा आना चाहिए। अब बातचीत का मजा किसी किसी के पास होता है, हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं। तो एक लड़का चलते हुए, इस्माइल की तरह का कोई लड़का गिर गया बेचारा, अचानक गिर गया। तो वहां एक गधा खड़ा था, गलती से गधों के पांव में, गधे उनके पांव में गिर गया। अब जैसे ही गिरा तो ये स्वाति की तरह कोई खूबसूरत लड़की पास में होगी, उसने कह दिया, अपने भाई के पांव छू रहे हो? तो उसने कहा, जी भाभी जी। ये है मजा, ये मजा हाजिर जवाबी का है, ये मजा बातचीत का है, ये मजा गुफ्तगू के अंदाज का है। तो हमारे साथ वो सौदागर हैं जो आज गुफ्तगू करेंगे, इनके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। भाई क्या बात है, तो ये तीन लोग जो हमारे साथ बैठे हैं, तीन अलग अलग पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन तीनों ही समान रूप से कविता पे अपनी बड़ी पकड़ रखते हैं और बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बात कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कुछ नए लोग देश में टेलीविजन पे सामने आते हैं, और आज हमें बड़ी खुशी है, वाह भाई वाह, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगा कि जहां भी प्रतिभाएं होंगी हम खोज के निकालेंगे। दो ऐसी प्रतिभाएं इस मंच पे हैं जो पहली बार आज टेलीविजन के पर्दे पे आएंगी, और मैं दावा करता हूं, ये मेरा वादा नहीं है, मैं दावा करता हूं कि जब वो अपने कविता और शेर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि भाई कहां थे ये हीरे अब तक छुपे हुए। तो ये हीरे आज अपने अपने मुकाम से बाहर निकल आए हैं और आज अपनी चमक सारी दुनिया में बिखेरेंगे। सबसे पहले जो हैंडसम सा नौजवान बैठा है, महाराष्ट्र में वाशिम जिले के पास हिवरा रोहिला एक बहुत छोटा सा गांव है, वहां रहते हैं इस्माइल राज। और इस्माइल राज जब अपने शेर सुनाएंगे, बेसाख्ता आपके मुंह से वाह भाई वाह निकलेगा। हम स्वागत करते हैं इस्माइल का हमारे इस मंच पे जोरदार तालियों के साथ। बैठिए बैठिए इस्माइल, बैठिए, बुलाएंगे बुलाएंगे इस्माइल, इतनी जल्दी क्या है। ये देखिए, ये जल्दबाजी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस्माइल इतनी जल्दी मैं पढ़ लूं बस। ये इंसान में पैशन होना चाहिए, आगे बढ़ने की ताकत होनी चाहिए। इतना आगे बढ़े आदमी, जैसे धमचक जी को लोग कहा करते थे कि तुम खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि जिस घर में भी जाओ वहां लोग कहें आगे बढ़ो। लेकिन हमारे बीच में है, ये है धमचक मुल्तानी। धमचक मुल्तानी जी हमारे बड़े पुराने हिंदी कवि सम्मेलन के, जिसको कहते हैं पुराने चावल, हैं बड़े जबरदस्त कवि हैं, और रतलाम मध्य प्रदेश में रहते हैं। रतलाम जहाँ की सेव बड़ी प्रसिद्ध है, रतलामी सेवें बड़ी तीखी और बड़ी मज़ेदार होती हैं, और ये बड़ी मज़ेदार कविताएं लेके आते हैं। नाम इनका कुछ और है, ये ठाकुर साहब हैं वैसे तो नाम से, और हैं वैसे धमचक। ये माइक उठाइए धमचक जी, आपने अपना नाम ये धमचक क्यों रख लिया? मैं शुरू से धमा चौकड़ी करने वाला कवि रहा। अच्छा, हाँ, तो एक बार काका हाथरसी ने, किस तरह की धमा चौकड़ी? ये हास्य व्यंग की कविताओं की। अच्छा, हाँ, तो नहीं, आदमी को स्पष्ट कर देना चाहिए। नहीं, वो क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि मैं शुरू से धमा चौकड़ी करने वाला रहा, स्वाति एकदम से घबरा गई। तो
काका हथरस का यार तुम्हारा नाम जो है गजराज सिंह राठौर बड़ा लंबा है। अच्छा हाँ, और तुम धमा चौकड़ी करते हो इसलिए तुम्हारा नाम धमचक। वाह। और रतलाम के पास एक मुल्थान है, मुल्थान है। वहां से मैं पहले कभी सुनने जाता था जी, तो उन्होंने मुल्थानी कर दिया। अच्छा। इस तरह धमचक मुल्थानी हो गए। वाह क्या बात है, नाम चकाचक है एकदम आपका, धमचक मुल्थानी जी। तो धमचक मुल्तानी जी हमारे साथ हैं, वो मध्य प्रदेश से हैं, इस्माइल हमारे साथ महाराष्ट्र से हैं, और स्वाति खुशबू मूलत है पटना की है, इन दिनों नोएडा में रहती है, तो दो प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो बिहार से भी और यूपी का भी, दोनों ही प्रदेशों से हमारे बीच में आती है और हास्य की बड़ी शानदार कविताएं वो करती है। तो आप तीनों का हम स्वागत करते हैं, स्वाति खुशबू, इस्माइल राज और धमचक मुल्तानी जी। तो आइए महफिल का प्रारंभ करते हैं, और मैं चाहता हूं जिंदगी में जो सबसे अच्छी चीज होती है ना, वो होती है खुशबू। चाहे वो नाम की खुशबू हो, चाहे वो काम की खुशबू हो, चाहे वो फूल की खुशबू हो, चाहे वो उसूल की खुशबू हो, चाहे वो व्यवहार की खुशबू हो, चाहे वो मोहब्बत या प्यार की खुशबू हो, चाहे वो इश्क की खुशबू हो, चाहे वो रिश्तों की खुशबू हो, या फिर कविताओं की खुशबू हो, या फिर स्वाति खुशबू हो। स्वाति आओ। कहते हैं प्रेम जब दो तरफा होता है जी, तो वाह भाई वाह होता है। हाँ। लेकिन प्यार अगर एक तरफा हो तो क्या होता है, मैं बताती हूँ। बात बात दिल की मुझे आज कहने तो दो, एक तरफा सही यूं ही रहने तो दो। दे नहीं सकते हो जो मोहब्बत मुझे, कम से कम अपनी मम्मी के गहने तो दो। ये सच्चा प्यार है, ये बड़ा प्रैक्टिकल प्यार है भाई। वाह सही बात, ये आज के जमाने की लड़की, अरे कहने तो दे दो भाई। खुली आंखें तो मेरे सामने संसार गायब था। अच्छा, लड़की ही आज की नहीं है, लड़के भी आज के होते हैं, बताती हूँ कैसे। जी जी बताएं। खुली आंखें तो मेरे सामने संसार गायब था, खुली आंखें तो मेरे सामने संसार गायब था, जिसे मारा मेरा दिल भर वही दिलदार। भाई नायिका खुद कह रही है कि मोहब्बत में सब लुटाने को तैयार थी, तो हार चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और कहते भी है ना, मोहब्बत में जीतता वही है जिसकी हार होती है। क्या बात, वाह भाई वाह जी। इश्क भी मेरा, खर्च भी मेरा, नाम भी खूब कमाया था, खून से चिट्ठी लिखी थी, मुर्गे का खून बहाया था। कार्ड छपा जब शादी का, तो हमें इतनी दूरी थी, अंदर उसका छपा नाम मेरा, बाहर छपवाया था। बहुत अच्छे, मतलब निमंत्रण था बाहर। कभी कभी दुनिया बुझने के चक्कर में बुद्धि का दिमाग से ही साथ छूट जाता है। अच्छा। बायोलॉजी में पढ़ाया गया बार बार, किंतु नियमों को यहाँ पर प्यार लूट जाता है। देश की जवानी आज इतनी दीवानी हुई सुनकर डॉक्टरों का भाग फूट जाता है। जिस दिल में नहीं है हड्डी एक भी कहीं पे, वही दिल कैसे बार बार टूट जाता है। जिस दिल में एक भी हड्डी नहीं है, बार बार कैसे टूट जाता है भाई। केमिकल लोचा होता है यहाँ, ये बायोलॉजिकल लोचा हुआ है। जी 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 जी। चली जो बात तो हर बात में सूखी नमी निकली, ये आंखें झील थी पर बेरहम सर्दी जमी निकली, बड़ा ही चुंबक की सा था हमारे इश्क का चुंबक, बड़ा ही चुंबक की सा था हमारे इश्क का चुंबक, बुरी किस्मत उसी में आए रखी ही कमी निकली। प्रेमिका है ना, कहती है मम्मी के गहने दे दो, गले लगती है तो हार चला जाता है, उसी में आयरन की कमी निकली। ये नहीं कहती कि जिस वक्त उसने हार लिया उसके पहले इन्होंने पर्स निकाल लिया था।
तो ये बराबरी का प्रेम है, लेकिन मोहब्बत के कई रूप होते हैं। मोहब्बत का एक रूप ये है, मोहब्बत का दूसरा रूप ये है जो अंजुम रहबर कहती हैं कि ये किसी दाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता, और मोहब्बत में जब तलक नहीं टूटे दिल किसी काम का नहीं होता। तो हमारे पास एक ऐसा शायर है जिसने कहा कि उसके ख्यालात उसके हालात से बड़े बेहतर है, और मैं दावा करता हूं कि उसके ख्यालात सुन के आप कहेंगे भाई वाह इस्माइल राज कहां थे तुम, आज तो हमारे पास है इस्माइल। तो इस्माइल हम चाहते हैं कि तुम पढ़ो और हर चेहरे पर देश में स्माइल हो। इस्माइल राज शैलेश सर के शुक्रिया के साथ एक मतले से शुरू करता हूं कि मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग। आहा, मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। वाह वाह भाई वाह, क्या बात। जमाना इसलिए लहजा बदल रहा है दोस्त, हाँ जमाना इसलिए लहजा बदल रहा है दोस्त, हमारा वक्त जरा पीछे चल रहा है दोस्त। हाँ। ना मिल सकी मेरे हिस्से की रोशनी भी मुझे, मेरा चराग कहीं और जल रहा है दोस्त। आए, आए। इसीलिए बड़े मकबूल शायर हैं, उनका एक शेर है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। मेहरबा हम पे हर एक रात हुआ करती थी। अच्छा, मेहरबा हम पे हर एक रात हुआ हर एक रात हुआ करती थी, आंख लगते ही मुलाकात हुआ करती थी। हिजर की रात है, हिजर जुदाई, हिजर की रात है और आंख में आंसू भी नहीं, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। हाय हाय, वाह वाह इस्माइल वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, पड़ी है रात कोई गम शनास भी नहीं है, शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है। आए, 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 आए। शराब खाने में आधा गिलास भी नहीं है, यहाँ तो लड़कियां अच्छा सा घर भी चाहती हैं, हमारे पास तो अच्छा लिबास भी नहीं है। वाह 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 इस्माइल वाह, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। आहा, एक मतलब कुछ शेर ये भी सुने के अब इस भरम में हर एक रात काटनी है मुझे। हाय हाय, अब इस भरम में हर एक रात काटनी हर एक रात काटनी है मुझे, के आने वाली तेरे साथ काटनी है मुझे। हाय हाय, तुझे दिलाना है एहसास अपने इस दुख का, तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है। हाय हाय, वाह वाह वाह, तू कुछ तो बोल, क्या बात है, तू कुछ तो बोल तेरी बात काटनी है मुझे, जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम, के एक दूजे के रस्ते में आ गए थे हम, जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। अरे वाह क्या बात है, अरे वाह इस्माइल वाह, आहा भाई वाह, आहा। एक मतलब कुछ शेर ये भी सुने के दर्द ऐसा नजरअंदाज नहीं कर सकते, दर्द ऐसा नजरअंदाज नहीं कर सकते, जब्त ऐसा कि हम आवाज नहीं कर सकते। बात तो तब थी कि तू छोड़ के जाता ही नहीं, अब तेरे मिलने पे हम नाज नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, वा। बात करता नहीं है कोई भी, क्या अजियत है साफ गोई भी। आहा, बात करता नहीं है कोई भी, क्या अजियत है साफ गोई भी, वो के खुश भी नहीं थी मेरे साथ और बिछड़ी तो खूब रोई भी। अरे क्या बात है, क्या बात है, भाई वाह वाह भाई वाह, और
बछड़ी तो खूब रोई भी, बात ऐसी भी, भला आप में क्या रखी है? बात ऐसी भी, भला आप में क्या रखी है? एक दीवाने ने जमी सर पे उठा रखी है। इत्तेफाकन कहीं मिल जाए तो कहना उससे, तेरे शायर ने बड़ी धूम मचा रखी। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है इस्माइल, वाह भाई, क्या बात है, वाह वाह भाई। मैं जानता हूं आप लोग प्रतीक्षा रत हैं कि भाई अब क्या होगा। भाई वही होगा जो हमेशा होता है। कुछ बातें ऐसी, कुछ लफ्ज ऐसे, कुछ अंदाज ऐसा, कुछ कविताएं ऐसी जो आपके घरों के आंगन में सारी उदासी को हर ले और वहां पर हंसी धर दे। तो हंसी और मुस्कुराहट के लिए हमारे पास है गजराज सिंह राठौर साहब, जिन्होंने कई बरसों पहले अपना नाम धमचक मुल्तानी कर दिया। रतलाम से हमारे बीच में आते हैं, तो आइए रतलाम जंक्शन से अपनी ट्रेन यहाँ पे लेके आइए। चले जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई। क्या बात कर रहे हैं? और जब महंगाई बढ़ जाती है तो लोग किसके पास जाते हैं? जो नेता चुनाव जीत जाता है उससे निवेदन करते हैं। अब वो महंगाई कैसे कम करते हैं कि शहर के मध्य चौराहे पर सीढ़ी के सहारे एक नेता जी आसमान पर चढ़ रहे थे। अच्छा, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे थे। मैंने कहा, ओ देश के कर्णधार, ये आप क्या कर रहे हो? आपके लिए चुल्लू और पानी कम था जो आसमान से कूद के मर रहे हो। तो नेता ने ऊपर से आवाज लगाई, सुनो धमचक भाई, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, आकाश छूने में कोई खास बात नहीं, मैंने जनता से वादा किया है तो हिम्मत नहीं हारूंगा, वस्तुओं के भाव आसमान पर जा चढ़े हैं, मैं उनको नीचे उतारूंगा। नहीं, नहीं। क्या बात है भाई, वाह। कभी समय हम जाते हैं साहब, कई तरह के लोग मिल जाते हैं, कई प्रश्न करते हैं, कई कविताएं बन जाती है। एक एक मित्र बोले, धमचक जी, विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है। मैंने कहा, भरता है? वो बोला, बताइए ऐसा क्यों करता? हमारा एक मित्र बोला, बोले धमचक जी, आदमी औरत की मांग में सिंदूर इसलिए भरता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। अच्छा, जिस लड़की की शादी हो रही होती है अक्सर उसके आसपास 3-4 कुंवारी लड़कियां घूमती है। वो इसलिए घूमती है ताकि लोगों को पता चल जाए कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है उसके आसपास के प्लॉट अभी खाली है। अच्छा, आदमी की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता क्योंकि वो तो गोचर भूमि है और गोचर भूमि की रजिस्ट्री नहीं होती है। तो एक मित्र बोले, धमचक जी, विवाह के समय आदमी औरत की मांग में सिंदूर भरता है। मैंने कहा, भरता है? वो बोला, बताइए ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा, इसमें कोई क्या करे, अरे सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे। बहुत बढ़िया धमचक जी, बहुत अच्छे। अच्छा, सिंदूर नहीं तो क्या सीमेंट भरे? फिर सीमेंट का कलर हरा होता है, सिंदूर का कलर लाल होता है, जिसे भरने के बाद आदमी पहली बार हलाल होता है। हाय हाय, क्या बात है भाई। आपके सिंदूर की बात पे मुझे स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी की एक बहुत बढ़िया बात आ गई। जैसे आपने कहा नॉर्मली लाल सिंदूर भरा जाता है, तो प्रदीप जी एक बढ़िया बात कहते थे। प्रदीप जी कहते थे कि एक औरत है, वो हरा सिंदूर लगाती थी। तो किसी ने पूछा, आप हरा सिंदूर क्यों लगाती है? बोले, मेरे पति ट्रेन इंजन के ड्राइवर हैं, इसलिए इससे पता चल जाता है कि लाइन क्लियर है। अरे, एक मनोवैज्ञानिक कविता सुनाता जी। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। कि एक घटना एक है, उस पर अलग 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 लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कि एक महिला ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। अब आप तो हंसेंगे ही, रोएगा तो वो जिसको 6 हुए हैं। और आप 6 बच्चे में हंस रहे। हमारे एक परिवार नियोजन अधिकारी मित्र हैं,
उनके 7 बच्चे। मैंने कहा परिवार नियोजन विभाग के अधिकारी होके आपके 7 बच्चे? वे बोले मैं परिवार नियोजन विभाग में आने से पहले विकास अधिकारी था। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, धमचक जी आप परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग, अब ये बड़ी गहरी बात है, आप तो अनुभवी आदमी है, समझेंगे कि भारत में अधिकांश बच्चे परिवार नियोजन की वजह से पैदा नहीं होते, वो अक्सर रूठने और मनाने की प्रक्रिया में पैदा होते हैं। तो एक महिला ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, इस घटना की अलग अलग हुई प्रतिक्रिया। हाँ। कंजूस पति बोला, भगवान ये बहुत अच्छा हुआ, एक तो 5 डिलीवरी का खर्च बचाया, साथ में बार बार के झंझट से पीन छुड़ाया। इतने में परिवार नियोजन अधिकारी गुर्राया कि इस नारी ने भारतीय विधान को तोड़ा है, ऐसी महिला परिवार नियोजन के लिए रोड़ा है, 6 बच्चे वो भी एक साथ, बढ़ती आबादी पर कितना बड़ा आघात। एक अग्रदत्त आलोचक बोले ये तो महिला की मजबूरी है, सरासर डॉक्टर और नर्स की कमजोरी है, अरे प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चे हो रहे थे तब ये लोग क्या भांग पी के सो रहे थे। 3 के बाद अपनी कला दिखाते, परिवार नियोजन के उपकरण काम में लाते। मैंने कहा क्यों नाहक परेशान होते हो, व्यर्थ दूसरों को दोष देते हो, यह सब ईश्वर की करामात है। इतने में एक मंत्री जी भभक कर बोले ईश्वर की क्या खाक करामात है, 6 बच्चे होना मामूली बात है, फिर इस महिला की क्या औकात है, इसमें जरूर विरोधियों का हाथ है। बड़ी बात आते जो विरोध वाली जो प्रक्रिया है ना, ये कमाल की है। बात मैंने कहीं पढ़ी, लेकिन अब विषय जैसा मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो पढ़ी थी तो मुझे कहना लाजमी हो गया, याद आ गई मुझे कि सार्वजनिक शौचालय जो होते थे गांव में सब घर घर में बन गए अब तो एक जो व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया बात का, हिंदुस्तान में इससे अच्छा काम हो नहीं सकता कि घर घर में हो गए, फिर भी एक व्यक्ति हमेशा सुबह सुबह खेत में ही गया, तो उससे किसी ने पूछा कि भाई अब तो हो गया है, अब क्या चक्कर है, बोले मैं विपक्ष में हूँ। जो ना हो जाए वो कम है, लेकिन अब जो होने जा रहा है बड़ा कमाल का है। कहानी थोड़ी इल्मी है, फिल्म का एक दृश्य आवाज नहीं, और ये क्या कहते हैं हम सुनेंगे, कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे वाह परिवार, वाह परिवार। आशा पारिक जी हैं और शत्रु साहब हैं, और फूल फेंका गया है और ये थोड़ी रूठना है, नाराजगी है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाथ में फूल है। इस्माइल, ये लौट कर आए हुए आशिक लग रहे हैं, लौट कर आए हुए आशिक, तो मेरा भूतपूर्व आशिक है, तो पुनः आए हैं, आपको ऐसा लग रहा है। जी, एक मतलब एक शेर है मेरा जी, के तेरी गली को छोड़ के पागल नहीं गया। अच्छा, तेरी गली को छोड़ के पागल नहीं गया, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया, मजनू की तरह छोड़ा नहीं मैंने शहर को, यानी मैं हिजर काटने जंगल नहीं गया। जंगल नहीं गया, आए हाय, वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप ये देखें, इस्माइल ने बहुत तमीज से बात कह दी कि मैं गया नहीं, मैं यही हूं। ये तो तहजीब की बात थी, बड़े अंदाज से कहा कि मैं हिजर काटने जंगल नहीं गया, लेकिन अर्थ यही था, तू ध्यान रखियो इधर ही हूं मैं, तो गया नहीं हूं मैं, तू कोई ऐसा मत समझ ना मैं निकल लिया। लेकिन ये होती है कविता की ताकत, ये होती है शायरी की ताकत, कि जो बात कही जाए वो तहजीब के साथ कही जाए, तमीज के साथ कही जाए। तब मुझे जाते जाते एक शायर के 2 शेर याद आते हैं कि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है कीमत नहीं देती, देने को तो मैं भी दे सकता हूं उसे गाली, मगर मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। और ये मंच है तहजीब का, कविताकार यही जिंदा रहेगा, हम कहते रहेंगे वाह भाई